साथ मैं हूं अनुजा। कन्हैया कुमार अखिल भारतीय छात्र परिषद जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के स्टूडेंट विंग हैं के नेता रहे हैं। वह 2015 के जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष पद के लिए चुने गए थे। फरवरी 2016 में जेएनयू में एक कश्मीरी अलगाववादी, 2001 में भारतीय संसद पर हमले के दोषी मोहम्मद अफजल गुरु को फांसी के खिलाफ एक छात्र रैली में राष्ट्र विरोधी नारे लगाने के आरोप में देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया था। उन्हें दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उन्हें 2 मार्च 2016 में अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया गया था, क्योंकि राष्ट्र विरोधी नारों में भाग लेने का पुलिस द्वारा कुमार का कोई सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके अलावा जेएनयू के कुलपति द्वारा गठित एक अनुशासन समिति भी विवादास्पद घटना की जाँच कर रही थी। प्रारंभिक जाँच रिपोर्ट के आधार पर कन्हैया कुमार और 7 अन्य छात्रों को अकादमिक तौर पर वंचित कर दिया गया था और विश्व के सबसे बड़े छात्र संगठन अखिल भारतीय परिषद ने कन्हैया कुमार पर विरोध किया था और उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चला दिया था। वहीं बता दें कि कन्हैया कुमार की हाल ही में जो है वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं और बिहार उपचुनाव के लिए लगातार प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। कह सकते हैं आप कि कन्हैया कुमार एक अब अपनी नई छवि बनाने में जुट गए हैं और कांग्रेस के समर्थन के साथ वो अपनी राजनीतिक पारी की नई शुरुआत कर चुके हैं। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कॉमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज़ के साथ।